हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज़ फूड बास्केट। तो आज मैं आपके साथ क्रिस्पी मैक्रोनी कुरकुरे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या प्याज टमाटर डाल के चाट की तरह भी खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में पानी गर्म करेंगे, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल और एक चम्मच नमक, अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी को हमने अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है, हम यहाँ मैंने दो कटोरियाँ ले ली हैं, तो एक कटोरी में हम हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके लिए हम कटोरी में डालेंगे दो चम्मच मैदा और दो चम्मच चावल का आटा। अच्छे से मिला लेंगे दोनों चीज़ों को। तो ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है। दूसरी कटोरी में हम डालेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, आधा पैकेट मैगी टेस्ट मेकर, आधा चम्मच लाल मिर्च और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो अब हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो गई है। आप एक पीस निकाल के उसको प्रेस करके देख सकते हैं। तो अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो हमारी मैक्रोनी यहाँ रेडी है, हल्की सूख गई है। इसमें हम हमारा ड्राई मिक्सचर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी मैक्रोनी में ये ड्राई मिक्सचर जो है वो अच्छे से कोट हो जाए। तो हमारी मैक्रोनी अच्छे से ड्राई फ्लावर से कोट हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है, उसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी। इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाती। जब आपको लगेगा कि अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, उस स्टेज पर आप एक मैक्रोनी जो है वो निकाल के खा के देख सकते हैं। बिल्कुल क्रंची होनी चाहिए। तो हमने इसे अच्छे से हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो हमारी मैक्रोनी यहाँ रेडी हो गई है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने मैक्रोनी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इस पे मसाला लगाना इजी हो। तो अब जो हमने मसाला रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हमारी क्रिस्पी मैक्रोनी जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। आप इसे चाहे ऐसे खा सकते हैं या इस पे प्याज टमाटर नींबू डाल के इसको चाट की तरह खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।